नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन की जो टीम है उसकी अपडेट आपको बताएंगे, क्योंकि इसी महीने जम्मू कश्मीर का दौरा डीलिमिटेशन कमीशन की टीम कर सकती है और परिसीमन आयोग ने प्रस्तावों को अब अंतिम रूप दिया है। 21 मार्च तक जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी, 28 और 29 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा पैनल करेगा। अब देखना यह है क्योंकि जब से इसका जो अंतरिम रिपोर्ट आई थी उसके बाद सियासी गहमागहमी देखने को मिली थी, अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए थे, कई सियासी दलों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया था, लोगों ने प्रदर्शनों का काफी जगह पर प्रदर्शन किया था और इसी के चलते अब जबकि सजेशंस मांगे गए हैं 21 मार्च तक, ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं, अब जनता पब्लिक सिटिंग्स होंगी जब डिलिमिटेशन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, 28 और 29 मार्च को पब्लिक सिटिंग्स होगी, लोगों से बातचीत होगी, लोगों से आपत्तियां जानी जाएंगी, सजेशंस मांगी जाएंगी और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसमें क्या कुछ बदलाव होगा वो देखने वाली बात होगी। और वहीं पर सबकी निगाहें इस खबर पर टिकी हुई हैं डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से, अब क्या कुछ खास रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब 21 मार्च तक जब जनता की आपत्तियां और जो भी ऑब्जेक्शन या सजेशन थे वो मांगे गए हैं, पब्लिक सिटिंग्स होंगी। तो चलिए रुख करते हैं श्रीनगर का, सैयद रूफ फारूकी हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। रूफ बताइएगा, क्योंकि परिसीमन आयोग ने अब प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है और अब जबकि जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, लोगों से बातचीत होगी, पब्लिक सिटिंग्स होंगी, ऑब्जेक्शन सजेशंस वो देंगे, तो जो फाइनल डिसीजन आएगा, तो जो गुस्सा फूटता हुआ लोगों का नजर आया, कहीं ना कहीं माहौल सामान्य होगा, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी कमीशन की अगर हम बात करें, जो कुछ ड्रॉप्स में अभी तक आया है या जो कुछ उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा है, उसकी अगर कहीं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी लीडर, किसी भी लीडर को या पब्लिक को कोई ग्रीवेंस होगी या उसको तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए बाहर तौर पर 21 मार्च तक टाइम दिया गया है पब्लिक को कि आप कर सकते हैं, अगर कहीं कोई तब्दीली लानी हो या लोगों को या लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिस तरह वो ड्राफ्ट जो बनाया गया था, तो 21 मार्च तक वो तजावीज जो है वो पेश हो सकती है डिलिमिटेशन कमीशन में, हदबंदी कमीशन में। उसके बाद 28 और 29 मार्च को फिर उन्होंने जो अभी जराये से खबर मिल रही है कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं और यहां से यहां पे पब्लिक के साथ बात होगी, यहां के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात हो सकती है। तो अभी ये नहीं कह सकते, देखिए डिलिमिटेशन को लेकर अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या बाकी जितनी भी यहां की पॉलिटिकल पार्टी से छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने उस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको नकारा, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं हुआ है, जो भी डिलिमिटेशन कमीशन ने जिसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये जो है काटा है या दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ जोड़ा है, जैसे हम पूछो अनंतनाग पार्लियामेंट सेगमेंट की बात करें, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं यहां की पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान है वो भी नाराज है और कहीं ना कहीं लोग भी इस फैसले के हवाले से खफाई दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे उनको मोटिवेट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह खबरें आ रही है कि इसमें कुछ ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, जो भी ड्राफ्ट बनाया गया है, जो भी पब्लिक में आया है, उसमें ज्यादा कोई चेंज आने वाली नहीं है, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दी है या जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया उसी को लेकर आगे बढ़ने की बातें हो रही है। अब किस तरह मोटिवेट किया जाएगा, देखिए तीन जो पैनलिस्ट है इसमें, जो मिमरान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, तीनों है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी साहब और मोहम्मद अकबर लोन, तो उन्होंने भी इस कमीशन को, इसकी रिपोर्ट जो है उसको नकारा है, अगर जी बीजेपी ने उसको एक्सेप्ट किया है, मगर अब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को किस तरह मोटिवेट किया जाएगा, मनाया जाएगा, या पब्लिक को किस तरह मोटिवेट किया जाएगा, या जो बात कही जा रही है कि आप पब्लिक में वो जो है पब्लिक के साथ बात करेंगे, अगर ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हुआ क्या इसमें दोबारा से कोई तब्दीली लाई जाएगी या इसी को लेकर आगे बढ़ा जाएगा और फिर इंतखाबात कराए जाएंगे, ये कहना अभी कबल से वक्त होगा। बिल्कुल शुक्रिया रूफ ज्वाइन करने के लिए। तो सैयद रूफ फारूकी हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब लगभग तय ही लग रही है ये रिपोर्ट और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कुछ खास बदलाव इसमें नहीं आएगा, अब किस तरह से लोगों
के साथ बैठ के बात की जाएगी, उनकी आपत्तियां जानी जाएंगी, उनके सजेशन जाने जाएंगे, और क्या जब ऑब्जेक्शंस और सजेशंस मिलेंगे उसके बाद कुछ बदलाव लाया जाएगा? खैर वो आने वाला वक्त बताएगा जब इसकी फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे राजौरी की, क्योंकि राजौरी में हर हाल थना मंडी, सुरनकोट, बफलियाज, चंडीगढ़ रूट के लिए अलग से बस स्टैंड अप होगा। राजौरी में तीसरे बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और म्युनिसिपल काउंसिल की करीब 5 करोड़ रुपए की परियोजना का आगाज हुआ है। राजौरी में हर हाल थना मंडी, सुरनकोट, बफलियाज, चंडीगढ़ रूट के लिए अब अलग से बस स्टैंड होगा, जिससे लोगों को जाहिर तौर पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था अब वो नहीं करना पड़ेगा और बहुत हद तक जो सहूलियत है वो आम जनता को होगी। तो चलिए रुक करते हैं राजौरी का, जमशेद मलिक हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद बताइएगा, इस बस स्टैंड अब जो तीसरा बस स्टैंड बनने लगा है, इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, क्या लोगों को उम्मीदें हैं, कितनी सहूलियत उन्हें मिलेगी? प्रियंका बिल्कुल, अगर ये कहें कि राजौरी में म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से लगातार राजौरी की डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं, जहां आज राजौरी में तीसरा बस स्टैंड जिसका आज काम शुरू किया जा रहा है, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी आरफ की हमारे साथ इनसे ही बात करेंगे। सर, राजौरी में आज तीसरा काउंसिल के अंदर जो बस स्टैंड शुरू किया जा रहा है, कितने प्रोजेक्ट है, इसके अलावा और क्या क्या करने चाह रहे हैं? पहला तो मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम राजौरी के लोगों को। राजौरी के अंदर जरूरत थी, क्योंकि हमारे जो इन रूट्स पे ये बसेस जो हमारी चलती थी, आए दिन कोई मुश्किलात रहती थी। काउंसिल ने ये सारी चीजें देखते हुए ये सारी चीजें जो है हम अपने इस प्रोजेक्ट्स में लाई, और आज मैं ये कह सकता हूं कि राजौरी में ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। इसकी लागत 4 करोड़ 99 लाख की है और ये राजौरी के लिए तीसरा बस स्टैंड है। और मैं समझता हूं कि राजौरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कमी थी। जब काउंसिल बनी तो हमने ये उस वक्त महसूस किया कि हम अपनी जो काउंसिल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करेंगे जिससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, उसी चीज को लेकर आज म्युनिसिपैलिटी राजौरी के अंदर आप देख रहे हैं कि करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हमारे डिफरेंट जगहों पे चल रहे हैं। कई जगहों पे हमारे इस वक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के काम चल रहे हैं, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग से काम चल रहे हैं, जो बस स्टैंड हमारे पहला बने थे उस पर फर्स्ट फ्लोर की हम ऊपर शॉप्स बना रहे हैं। तो हमें यह महसूस होता था उस वक्त कि ये सारी चीजें जब हम खड़ी करेंगे, चाहे हमारे वो कैफेटेरियाज बन रहे हैं, पैसेंजर शेड और विद कम कैफे बन रहे हैं, इनसे हम ये समझते थे कि यहाँ की एक तो जो हमारी इस वक्त बेरोजगारी है उसमें ये प्रोजेक्ट काम आएंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार मुहैया करेंगे, और साथ में जो शहर के अंदर हम क्राउडिंग महसूस करते थे और म्युनिसिपैलिटी का जो सोर्स ऑफ इनकम कम था, इन सारी चीजों को हम दूर कर पाएंगे। यही कुछ सारी चीजें थी जिनको लेकर म्युनिसिपैलिटी राजौरी लगातार ये काम करती रही है, और इन दिनों में हमारे और भी काफी सारे प्रोजेक्ट हैं वो शुरू होने वाले हैं, जिनके बारे में अभी मैं अगर आपके हवाले से अगर हम बात आपके इस चैनल के जरिए से हम राजौरी के लोगों को बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहेंगे कि राजौरी के अंदर जिन जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, चाहे वो हमारे ओपन एयर जिम्स की जरूरत थी, चाहे वो हमारे यहाँ पे लोगों के लिए पार्क्स की बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी, सुबह शाम लोगों को निकलना होता था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमने काम लेने में कामयाब हुए हैं। और आज राजौरी जो सिटी है, हमें जरूरत भी थी कि राजौरी शहर के अंदर ये सारी चीजें राजौरी सिटी में आए, ताकि हमारे शहर के अंदर यहाँ के जो हमारे जो लोग रह रहे हैं उनके कारोबार में और उनकी जो बाकी जो यहाँ पे रहने सहने में हर चीज में इजाफा हम कर पाए। सर, जिस तरह ये बस स्टैंड शुरू किए गए, ये किस रूट के लिए रहेगी गाड़ियां इस बस स्टैंड से? ये बस स्टैंड जो हमारा है, ये हमारा थना मंडी, दरहाल और राजौरी जो इस रूट की जो बसेज हैं, जो हमारे चाहे वो कश्मीर की तरफ जाती है, पुंछ की तरफ जाती है, या ये हमारा जो पीछे एक बड़ा रीजन है दरहाल, शादरा शरीफ, इस सारे को टच करेगा। हम ये समझते थे कि हम देखते थे ख्योरा के अंदर या सिटी के जो गुजर मंडी, इस पूरे इलाके के अंदर हमारे जो दिन भर जामिंग्स रहती थी, जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां भरते थे, या जो हमारे जो लोग पैसेंजर जो यहाँ से सफर करते थे या बाहर से यहाँ आते थे, तो हमें शहर के अंदर बड़ी दिक्कत पैदा होती थी, उससे हमारे जो कारोबारी है वो भी सफर होता था। ये सारी चीजें महसूस करके हमने इस स्पेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा। पहला माइट ऑन माई प्राइड से भी हमने कुछ थोड़ी अमाउंट का यहाँ पे काम किया था, ताकि हम इसको स्टार्ट कर पाए। फिर जम्मू कश्मीर के कैपेक्स बजट में बस स्टैंड बनाने की गुंजाइश थी कि जो भी 5 करोड़ की ऊपर के लागत के प्रोजेक्ट हैं उसमें कैपेक्स से उसको पैसा मिलता है, हमने उसी स्कीम का फायदा उठा के ये जो प्रोजेक्ट हमने बना के भेजा और 4 करोड़ 99 लाख का हमारा जो पैसा वो सेंक्शन होकर आया। और ये जो इन रूट पे जैसे आपने कहा है, इन जो गाड़ियां चलेंगी, जो मुश्किल आज तक पिछले 60-70 साल से वो ये लोग बर्दाश्त कर रहे थे, आने वाले वक्त में ये सारी मुश्किल कम होंगी और राजौरी के अंदर, राजौरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, राजौरी के लोगों के रोजगार के लिए और यहाँ के हमारे इस शहर के लिए जरूरी था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके, बस स्टैंड्स को लेके एक बड़ी जो अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। और आज हम ये कह सकते हैं ये सारी चीजें करने में म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी कामयाब हुई। बिल्कुल प्रियंका, आप देख सकते होंगे म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के इस प्रोजेक्ट से यहाँ बेरोजगारी जो उसमें भी काफी फायदा इनको मिलेगा, क्योंकि बेरोजगार नौजवानों को यहाँ पे काफी रोजगार मिलेगा।
पूरा पोर्शन जो प्रियंका मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो पोर्शन है जिसको बस स्टैंड की शक्ल में तब्दील किया जाएगा और बाद में इसके साथ ही शॉप्स का कंप्लेक्स भी शुरू की जाएंगे, जिससे यहां के बेरोजगार नौजवानों को भी काम मिलेगा और राजौरी के अंदर ये तीसरा बड़ा बस स्टैंड बनाया जा रहा है। इस बस स्टैंड की अगर हम बात करें, धराल थाना मंडी मुगल रोड के रास्ते जाने वाली गाड़ियों को, यहां से मुसाफिरों को गाड़ी मिलेगी, उसका सबसे बड़ा कारण यह रहेगा कि अगर लोगों को दूर दराज जाना पड़ता था, उनको बिल्कुल डिफरेंट इलाकों का सफर करना पड़ता था और बस स्टैंड पहुंचना पड़ता, जिसको देखते हुए प्रियंका ये इस तरह राजौरी में आज तीसरे बस स्टैंड का इफ्तिताह हुआ है। जी प्रियंका, शुक्रिया जमशेद ज्वाइन करने के लिए और ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए कि अब जबकि ये 5 करोड़ की परियोजना है, इसका आगाज हो चुका है, नौजवानों को रोजगार मुहैया होगा, लोगों को सहूलियत होगी, जिससे लोग काफी खुश है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मुगल रोड की, क्योंकि मुगल रोड में ज्यादातर जो बर्फ हटाने का काम है वो पूरा हो चुका है और जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द मुगल रोड को खोला जाएगा। मुगल रोड के 28 किलोमीटर हिस्से से बर्फ को हटा दिया गया है और करीब 56 किलोमीटर हिस्से से बर्फ हटाने का काम आज भी जारी है। काम पूरा होने पर यातायात के लिए जल्द मुगल रोड खोल दिया जाएगा। और चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ सन्नी ज्वाइन कर चुके हैं। सन्नी, बताइएगा अब क्या उम्मीद लगाई जाए, कब तक मुगल रोड खुल सकता है, कितनी जल्दी काम इस पे हो रहा है जिससे लोगों को सहूलियत होगी और मुगल रोड खुलेगा? जी, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर से मुगल रोड जो है वो बंद है। मैं आपको बता दूं कि मुगल रोड पे जो बर्फ हटाने का काम है वो लगातार चल रहा है। आज हमने जब वहां पर इंजीनियर से बात की तो उनका कहना है कि लगातार बर्फ हटाने का काम जो है वो चल रहा है और इन दिनों में ही मुगल रोड पे जो लोग हैं वो लगातार इस तरफ जो है वो रुक कर रहे हैं। पुलिस की एक टीम है जो मुगल रोड पे लगाई गई है, जो इन लोगों को वहां पर ही रोक रही है, क्योंकि ये जो लोग हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए इस तरफ आ रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस भी इस तरफ जो है वो सतर्क है, इस तरफ किसी को आने नहीं दिया जा रहा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज जब हम कल भी हमारी उनसे बात हुई थी, आज जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि 30 से 32 किलोमीटर जो है वो रोड को साफ कर दिया गया है। अब ये जो रोड है ये 84-85 किलोमीटर रोड है, इस पे भी जो है वो काम चल रहा है। आगे जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा है, थोड़े दिन लगेंगे पर आने वाले दिनों में इस रोड को साफ कर दिया जाएगा लोगों के लिए। शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। तो सनी, जिस तरह से बता रहे थे कि कुल 84 किलोमीटर की जो ये रोड है, अब इसमें 30 से 32 किलोमीटर पे स्नो क्लियरेंस का काम हो गया है, अब जो थोड़ा बहुत बचा है जल्द से जल्द उसे भी पूरा कर दिया जाएगा ताकि मुगल रोड को जल्द से यातायात के लिए खोला जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब रुक करेंगे डोडा का, क्योंकि डोडा से खबर सामने आ रही है कि जो पीएचई डेली वेजर्स हैं उन्होंने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। 20 मार्च तक सुनवाई ना होने पर पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो लगातार जो पीएचई डेली वेजर्स की मांगे हैं, हमने देखा जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन इनका जारी था, अब इन्होंने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। डोडा में पीएचई डेली वेजर्स ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है और 20 मार्च तक अगर इनकी सुनवाई ना हुई तो पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जिससे जाहिर तौर पर जो आम जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब इनकी मांगे क्या कुछ हैं, क्योंकि नियमित करने सहित अन्य मांगे जो इनकी हैं उनको लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार पीएचई डेली वेजर्स का जो प्रदर्शन जारी है और इनका कहना है कि अब इनकी मांगे 20 मार्च तक नहीं दी गई, 20 मार्च के लिए इन्होंने चेतावनी दी है, तो उसके बाद पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला पीएचई डेली वेजर्स का जम्मू कश्मीर में जारी है और नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं। डोडा का रुख करते हैं, वसीम हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जी वसीम, बताइएगा पीएचई डेली वेजर्स का आज भी आंदोलन जारी है, आंदोलन को तेज करने की जो बात इन्होंने कही है, तारीख इन्होंने दी है और क्या कुछ कहना है इनका? बिल्कुल, देखिए आए दिन हम देख रहे हैं कि पीएचई डेली वेजर जो है सड़कों पे है और आपने देखा होगा दो बार जो है घेराव किया गया है, पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव किया गया है और हाल ही में आपने देखा होगा 8 तारीख के आसपास इनने रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया गया था और उसके बाद काफी ज्यादा भरोसा इनको दिया गया है। और जिस तरह से आपको बताऊं कि इनका ये भी कहना है कि एसआरओ चौहट के तहत हमें परमिट किया जाए, मेरे साथ कुछ पीएचई डेली वेजर्स भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं इनकी क्या डिमांड्स है और ये क्या कहना चाहते हैं।
आपका वेलकम है, थोड़ा सा बताएं क्या दिक्कत आ रही है और किस तरह का आश्वासन अब दिया गया है, क्योंकि रविंद्र रैना जी हाल ही में आपके साथ मिले थे, उन्होंने भरोसा भी आपको दिलाया था, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल जेके मीडिया का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जो हमारे डेली वेजर्स का जो मुद्दा है इसको ऐवान अरबाब तक पहुंचाते हैं। ये मेरे साथ जो यहाँ डोडा के साथी हैं, हम सब लोग इस वक्त कसम फुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हम इसलिए आपके सामने कहने को मजबूर हैं कि इस वक्त सामने जो हमारा मार्च आ रहा है, स्कूल बच्चों के लिए खुले हैं और हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त घरों में बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा डेली वेजर जो है इस वक्त बहुत गरीब है, काम तो 24 आवर ये लेते हैं, 28 डिपार्टमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में हमारा डेली वेजर चला रहा है। तो अब थोड़ी सी उम्मीद जो हमने परसों का जो क्या कहते हैं 8 तारीख का हमने जो प्रोटेस्ट किया था रविंद्र रैना जी के घर का, हमने घेराव किया था, इससे पहले कि मैं वो वाजे करूं, हम इस चीज के लिए मजबूर हैं, सरकार ने हमें मजबूर किया कि हम इनके घर के घर का घेराव कर रहे हैं, और ये इसलिए कि हमारा डेली वेजर जो है ये इस वक्त इंतहा किस्म का गरीब हो चुका है, क्योंकि दर दर की ठोकरें खा रहा है, सिर्फ काम, सुबह भी काम, शाम को भी काम, सिर्फ काम के लिए डेली वेजर को याद किया जाता है, इसके घर की तरफ कोई नहीं देख रहा है, न सरकार का कोई बंदा, न डिपार्टमेंट का कोई बंदा। तो इस वक्त हमारा हाल जो है, डेली वेजर इस वक्त मजबूर हो गया है अपनी ताकत दिखाने में। जब आपको बताया गया था एलजी साहब से आपको मिलाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे, उसके बाद क्या हुआ? जी वसीम साहब, बात ऐसे है कि रविंद्र रैना जी जो है एक शख्सियत है बीजेपी में, जो रविंद्र रैना जी हैं प्रेसिडेंट जो स्टेट के हैं बीजेपी के, उनमें हमें थोड़ा सा दर्द दिख रहा है डेली वेजेस का, क्योंकि परसों जब हमने उनके घर का घेराव किया वो बाहर आ गए, और वो बाहर क्लियर कट इस तरह से आ गए पैदल चल के, और डेली वेजरों के सामने उन्होंने जो कहा, अपना वादा जो किया कि मैं आपको गवर्नर साहब से मिलाऊंगा, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो था वो तो असल में हमारा डॉक्टर जितेंद्र जी था, ये काम तो उनका था, अगर उन्होंने नहीं किया तो रविंद्र रैना जी इस वक्त हमारा काम कर रहे हैं डेली वेजर्स का, तो उन्होंने हमारा फ्रंट जो है, हमारा डेलीगेशन जो है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी बता रही है कि जम्मू कश्मीर के जब इलेक्शन होंगे लगभग 50 सीटें हम हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा, क्या उम्मीद रखी है आपने आने वाले टाइम में? देखिए बात ऐसे है कि हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ 50 छोड़कर 70 सीटें भी लेती है हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज सिर्फ ये है कि डेली वेजर्स का मसला उससे पहले ये हल करें, अगर ये डेली वेजर्स का मसला उससे पहले हल नहीं करेंगे तो ये ख्वाब भूल जाएं, क्योंकि डेली वेजर्स जो है इस वक्त 60,000 डेली वेजर, उनके साथ जो है यहाँ 6 लाख फैमिलियां जुड़ी हुई है, तो हमारा बाजाबता जो हमने कब तक दिया हुआ है, हमने इनको बाजाबता अल्टीमेटम दिया है 20 तारीख तक, अगर 20 मार्च तक इन्होंने हमारा मसला जो हल करने की कोशिश नहीं की, अगर इन्होंने एसआरओ चौहट के तहत डेली वेजर्स का मसला हल करने की कोशिश नहीं की, परमानेंट पॉलिसी इन्होंने शुरू नहीं की, मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू नहीं किया, तो ये देखेंगे कि डेली वेजर जो है ये सड़कों पे आएगा, डेली वेजर जो है ये बीजेपी के अगेंस्ट हो जाएगा, अगर ये चाहते हैं, ये इस वक्त हम बताते हैं कि ये इनकी मर्जी है, काम इस वक्त इनके हाथ में है, अगर ये काम करते हैं ऑनेस्टी से, ईमानदारी से डेली वेजर्स का, तो डेली वेजर जो है इनकी मुखालफत नहीं करेगा, हमें कोई शौक नहीं है कि हम इनकी मुखालफत करेंगे, यहाँ चिनाब वैली का जो बीजेपी का क्या कहते हैं कोरम है, ये भी कभी कोई बात नहीं कर रहे हैं हमारे हक में, इनको बात करनी चाहिए, और मैं ये वसूख से कहूंगा हमने ये काम इनसे ही करवाना है, इनको ये काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर सुना आपने कि जो एसआरओ चौहट बना हुआ है उसी के तहत हमें परमिट किया जाए और 20 मार्च तक इनकी लास्ट डेट है, उसके बाद ये पानी भी बंद कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह का फैसला लेती है। जी शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए ग्राउंड से। तो वसीम जिस तरह से बात कर रहे थे पीएचडी डेली वेजर्स से जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है 20 तारीख तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो यह आंदोलन और भी तेज हो जाएगा और पानी की सप्लाई भी ठप हो सकती है जिससे आम जनता को परेशानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जम्मू के आसपास के ग्रामीण इलाकों में जहां चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है, वहीं जम्मू शहर के कई इलाकों में चोरियों से अछूते नहीं रहे हैं। रविवार और सोमवार के दरमियानी रात को चोरों ने शहर के दो अलग अलग इलाकों में 6 दुकानों को निशाना बनाकर वहां से माल उड़ा लिया और चंपत हो गए। शहर के डिगियाना इलाके में चोरों ने एक साथ 5 दुकानों में सेंधमारी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है और दूसरी ओर जम्मू के ही तालाब तिलो इलाके में भी चोर मोबाइल फोन की एक दुकान का शटर तोड़कर भीतर दाखिल हुए और वहां से भी माल उड़ाकर फरार हो गए। लोग
मित्रा इलेक्ट्रिकल, बीएस इलेक्ट्रिकल और हैप्पी ऑयल सॉफ्ट लुब्रिकेंट, स्टील वाली दुकान है पीछे, उसका बेटर शर्ट लेके चाबी वगैरह ले। मेरी दुकान पे चोरी हुई है, मल्होत्रा इलेक्ट्रिकल वर्क्स लिगैना कैंप, और यहाँ से अंदर से रिले ले गए हैं, तार वाली बंडल, तार का बंडल पड़ा था, एक डीसीसी का वो ले गए हैं, लाकर तोड़ दिया है, अंदर से काफी छोटा छोटा सामान काफी ले गए। रात को ये हमने सीसीटीवी कैमरा में चेक किया है, रात को 2 बजे करीब वहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 बजे करीब पौने 2 बजे के दो स्कूटियाँ आई है, शायद एक सामने लगी है सड़क के और एक यहाँ पे लगी है, ठीक है। तो उन्होंने ताले तोड़े हुए, सुबह हमें किसी ने फोन किया कि आपके शटर खुला हुआ है, हम आए देखने तो देखा शटर ओपन था, फिर हम पुलिस स्टेशन में गए थे, वहाँ पे अभी उनको बताया, तो अभी पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वाले आके देख के गए हैं, तो अभी डिटेल बना रहे हैं क्या क्या चोरी हुआ। तो सर ऐसे तो हम स्टॉक घर में लेके जाते हैं, उस दिन थोड़ा जल्दी जाना था तो स्टॉक काफी स्टॉक यहाँ पे रह गया था, एस्टिमेट कोई 5-6 लाख रुपए का स्टॉक है हमारा, बाकी हम डिटेल बना रहे हैं कितना है। कैमरे में फेस तो नहीं आया होगा सर, क्योंकि हमारा कल शॉप ऑफ बंद था, तो कैमरा बैटरी भी डेड हो गई थी, कैमरा में आया नहीं है, तो साथ वाली शॉप का देखा है हमने, तो उसमें कैमरा में फेस नहीं आ रहा है। धर्मनगरी कटरा यातायात नियमों को ताक पर रखने वाले कमर्शियल वाहनों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाते हुए ऐसी 10 गाड़ियों को सीज किया है, और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कटरा में कुछ निजी वाहनों को भी व्यावसायिक वाहनों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनको हम सीज कर रहे हैं, बाकी ओवरलोडिंग का, ओवर चार्जिंग का जैसे जैसे हमें वायलेशन जो है मिल रही है, तो वैसे वैसे उनको हम बुक कर रहे हैं। सर इसलिए हम जो है ये इसको अपना ब्लैक लिस्ट के लिए हम लिख देंगे, गाड़ियों को जितनी भी गाड़ियां हैं ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी, और हम इसमें जितनी भी जो अकॉर्डिंग टू कार्रवाई बनेगी तो हम करेंगे, और आपके माध्यम से एक हमें इनको यहाँ पे एक यात्रा स्टेशन है, मैं उनको ये कहूँगा, इस्तेमाल करूँगा कि यहाँ पे एक अच्छी इमेज है, जितना भी ओवर चार्जिंग और जो भी विजिबल वायलेशन है उसको नहीं होना चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं करनी है, तो जितनी भी आपने आइडेंटिटी डिस्प्ले करके रखी है, यूनिफॉर्म है, नेम प्लेट है, वट एवर जो भी है, तो यही आपके माध्यम से इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी ये ड्राइवर हैं, तो ये चीज़ें जो भी है वो वायलेशन ना करें, ताकि एक अच्छी इमेज जो है हमारी नॉर्थ इंडिया में कटरा की जाती है। सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न जगहों पर नहरों की डिसिल्टिंग का काम करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ एक जगहों पर अभी तक ये काम शुरू नहीं हो पाया। जम्मू का तालाब तिलो इलाका भी ऐसे ही जगहों में शुमार है, जहां नहर की साफ सफाई न होने के कारण ये गंदे नाले में तब्दीली हो चुकी है और लोगों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। इन लोगों के मुताबिक भारी गंदगी के कारण इलाके में मच्छर पनप रहा है और बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि हर साल सिंचाई विभाग नहर सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति करता है। नहर साफ होने के लिए हम आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहते हैं, अगर नहर साफ हुई है तो आपके सामने जो आप देख रहे हैं नहर की हालत यहाँ पे, तो इस वक्त इतना मुश्किल हो गया, जो आसपास के कस्टमर आते हैं यहाँ पे, दुकानदारों की बुरी हालत है और कस्टमर की यहाँ पे इस वक्त बुरी हालत है, आम आदमी यहाँ पे आकर ठहर नहीं सकता। इरीगेशन डिपार्टमेंट बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हमने नहर की सफाई करवाई है, लेकिन अगर आपने साक्षात देखना तो आप खुद अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। हमने जब लास्ट ईयर भी उनको कहा था कि इस नहर को या तो क्लैप्स करके 3 फुट ठीक कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ना ये गंद नहर में गंद कम पड़ेगा और लोगों को ये सहूलियत के लिए अच्छा कदम होगा, लेकिन इन इरीगेशन डिपार्टमेंट का कोई काम पे ध्यान नहीं देगी, और हम तालाब एसोसिएशन की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि इस नहर की वजह से लोगों को जो बाथरूम बनाने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जीवल से लेके पूरा अगर आप बॉडी तक देखेंगे तो तालाब तलों में बाथरूम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे निकासी की कोई जगह नहीं है, अगर ये नहर बंद हो जाए तो उसकी वजह से लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पे आपने बाथरूम के वो
नुकसान बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये नहर भी या तो कलेक्ट किया जाए या रेगुलर रखा जाए। अब बैसाखी आएगी, थोड़े दिन के लिए ये डिपार्टमेंट नहर को साफ करवाएगा, कल प्यार उठा के साइड पे रखेगा, लेकिन 15 दिन बाद देखेंगे वही हालत यहाँ पे 12 महीने रहती है। यही है कि प्रशासन जो है इसमें जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और इस सफाई का काम को जल्दी से करें, ताकि जो है लोगों को आने जाने को स्वच्छ और साफ सुथरा रहे और प्रदूषण भी ना हो। इसलिए वहाँ पे पॉलिथीन लिफाफा गंदगी जो भी पड़ी है साफ दिखाई देती है, आने जाने वालों को साफ सफाई नहीं दिखती है। और जो है अब जो है मच्छरों का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि गर्मियों में मलेरिया फैलने का भी दिक्कत है। इसीलिए मेरे जो भी प्रशासन है वहाँ पे काम करता है उनसे अनुरोध है कि जल्दी जल्दी नालों की सफाई करवाएं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।